दोस्तों कई बार क्या होता है कि अक्सर हमारे जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे दर्द होने लगता है, या फिर बॉडी के किसी पार्ट में जो है चोट लग जाती है तो वहां पर भी दर्द और सूजन आ जाती है। जैसे कि भाई आपके अगर हाथों में सूजन है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, रिस्ट में सूजन है, या फिर जो है जो पैर के ज्वाइंट हैं यानी कि नी ज्वाइंट हैं, घुटनियाँ हैं जो, वहाँ पर किसी का प्रकार का दर्द है, सूजन है, तो उस कंडीशन में भैया जो है एक पेन रिलीफ जेल आता है जो कि है डाइक्लोफिनेक जेल। तो डाइक्लोफिनेक जेल के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि भाई डाइक्लोफिनेक आखिरकार क्या है, मेडिकल स्टोर पर किस नेम से और कितने रुपये का मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं कि भाई ये जो डाइक्लोफिनेक जेल है इसके यूजेस क्या क्या हैं और किस कंडीशन में आप इसे उपयोग करेंगे, साइड इफेक्ट क्या आते हैं, और दोस्तों इसको लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो डाइक्लोफिनेक है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों ये बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन है, यानी कि जब आप इस जेल को लगाएंगे तो ये जेल वहां के जो है दर्द को खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर वहां पे सूजन है, सूजन की वजह से लालिमा वगैरह है, तो उसको भी ठीक करने का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टोर पे ये जेल आपको किन नामों से मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत सारे नेमों से मेडिकल स्टोर पे बिकता है, लेकिन जो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि दोस्तों डेफनेक इसका जेल आता है जो कि मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। बात करें प्राइस के बारे में तो ये आपको 67 रुपए का यानी कि 67 रुपए का 30 ग्राम का इसका ट्यूब आता है, वो आसानी से मिल जाता है। इस नेम से नहीं मिलता है तो आप किसी भी नेम से इस जेल को खरीद सकते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो डाइक्लोफिनेक ही रहना चाहिए। अब दोस्तों आपको फटाफट बताते हैं कि भाई ये जो डाइक्लोफिनेक जेल है इसको जो है कहाँ पर लगाना है, यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो उपयोग है दोस्तों वो है अगर मान लीजिए कि आपके ज्वाइंट में यानी कि जोड़ जितने भी हैं, वो चाहे जो है ये वाला हमारा यहाँ का जोड़ हो, चाहे घुटने का जो है जोड़ हो, चाहे हमारी जो है कमर हो, वहाँ पर किसी प्रकार का दर्द है, सूजन है, तो उस कंडीशन में इस जेल को वहाँ पर अगर आप लगाएंगी तो ये दर्द से सूजन से काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीफ देगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों कुछ कंडीशन है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब भाई जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों से संबंधित बीमारी, इसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, चलने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर आप इस जेल को वहां पर लगाएंगी, जोड़ों में लगाएंगी, तो वहां पर ये दर्द और सूजन को कम करेगा। अगला जो उपयोग है वह है दोस्तों टेंडोनाइटिस। बात करें दोस्तों टेंडोनाइटिस की तो इसमें क्या होता है जो बोन से जो है टिश्यू कनेक्ट रहते हैं उनमें क्या होता है जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को दर्द होता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग एक्यूट स्ट्रेन अगर हो गया है, साथ ही स्प्रेन का दर्द हो गया, या फिर स्पोर्ट इंजरी यानी कि स्पोर्ट के कारण आप खेल रहे थे उसके कारण चोट लग गई, इंजरी हो गई, वहां से ब्लड नहीं निकला, तो उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग मसल टेंडिनाइटिस में भी किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका उपयोग मसल में अगर दर्द हो रहा है आपके बॉडी में, कहीं की मसल है उसमें जो है खिंचाव है, दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बैक पेन की अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी आप इस जेल का उपयोग वहां पर कर सकते हैं, काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों यही थे डाइक्लोफिनेक जेल के उपयोग जो कि आपने डिटेल में बारी बारी करके समझा। अब बात कर लेते हैं इस जेल को लगाना कैसे है। तो लगाने का तरीका सिंपल है, जहां पर भी आपके प्रॉब्लम है वहां पर जो है इस जेल को लगाना है। इस जेल को आप दिन में 3 से लगाकर 4 बार जो है लगा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में हल्की सी स्किन इरिटेशन आपको महसूस हो सकता है, साथ ही साथ वहां पे रेडनेस वगैरह भी आ सकती है, ये साइड इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है। वैसे साइड इफेक्ट इतनी जल्दी इसका नहीं आता है, अगर साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो दोबारा इस दवाई को उपयोग नहीं करना है और साथ ही आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात कर लेते हैं सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो दोस्तों जिन लोगों को डाइक्लोफिनेक से किसी भी प्रकार की एलर्जी है, पहले का भी एलर्जी रह चुकी है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना है।
बाकी आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपको जोड़ों से रिलेटेड दर्द वगैरह रहता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो डाइक्लोफेनेक जेल के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।